प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू किया विशेष अनुष्ठान, शेयर किया भावुक ऑडियो संदेश। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का व्रत अनुष्ठान शुरू किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 10 मिनट 50 सेकंड का ऑडियो संदेश शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऑडियो मैसेज जारी किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का व्रत अनुष्ठान शुरू किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 10 मिनट 50 सेकंड का ऑडियो संदेश शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय व्रत अनुष्ठान का पालन मेरा सौभाग्य है। मैं देश विदेश से मिल रहे आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश की शुरुआत में कहा, जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की शक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन और राम भजनों की अद्भुत सौहार्द माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। उन्होंने संदेश में कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विध्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा के लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी मेरी स्थिति भलीभांति समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी देवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरम्भ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहाँ प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया है। आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रमित भारत की आत्मा को झंझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई का भी जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महा मानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की जयंती है। उन्होंने कहा, आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं, तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा, तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन का व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। पीएम मोदी ने अंत में कहा कि रामलला के चरणों में मैं आपके भाव को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारे आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन ने ईश्वर का रूप होता है,
ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझे भी नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वह अवश्य काम करेंगे। आप अपने शब्दों को, अपने भाव को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।